ऐसा व्यक्ति है उसका पुत्र इतना मायावी कैसे हो सकता है? असंभव है ये। किस माया के पीछे किसका हाथ है? वो सारी कहो, उस नारायण कहो, उस विष्णु का, पर तुम्हें उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। महाराज, पिछली रात्रि तो वो मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन आज की रात्रि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो माया और शक्ति का प्रयोग करके इस बार मुझे भ्रमित नहीं कर पाएगा। आज रात उस बालक की आखिरी रात होगी, वो कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। मुझे एक अवसर और दीजिए महाराज कंस, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये पाताल सुर आपका सेवक बन के जीवन भर आपके चरणों में पड़ा रहेगा। तो मुझे सत्य क्यों नहीं बता रहे हो काना? कि मेरे मना करने के उपरांत भी तो मुझे बिना बताए वन में गए थे। तुम्हारे बिछौने पर लगे पैरों के चिन्ह ने मुझे सब कुछ बता दिया। उस पर लगी मिट्टी साफ साफ बता रही थी कि वो वन की ही थी। मैया, मुझ में इतना साहस कहां जो रात्रि में मैं अकेला वन को जा सकूं? मुझे तो रात्रि में वन से आने वाली वन्य प्राणियों की ध्वनि से ही भय लगता है। भला फिर मैं क्यों जाऊंगा वन? किंतु दाव को किसी से भय नहीं लगता। वो आधी रात को भी वन में जा सकते हैं। तो हो सकता है पदचिन्ह उनके हो, क्योंकि आज तो दाव मेरी ही शैया पर सोए थे। असत्य। अच्छा मैया, अब स्वयं ही देख लो, दाव के पाँव में अभी भी वन वाली मिट्टी लगी है। हाँ बलराम, मिट्टी तो तुम्हारे पैरों पर लगी हुई है। किंतु छोटी मैया, मुझे नहीं पता ये काली मिट्टी मेरे पैरों में कैसे लग गई। समझ में ही नहीं आता है कि कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य कह रहा है। चलो दोनों खड़े हो जाओ। चलो आप दोनों एक दूसरे के कान पकड़ो। अब तुम दोनों ऐसे ही खड़े रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। और अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के कान छोड़े तो मैं तुम दोनों से बात करना बंद कर दूंगी। मैं तो बन गया ही नहीं, फिर तुमने मेरा झूठा नाम क्यों लिया? बोलो, तुम वन क्यों गए थे? अब तो सत्य कह दो, छोटी मैया नहीं है यहाँ पर। वो क्या हुआ दाऊ, मैं ना वन गया था। आज वो पाताल सुर पुनः गोकुल आएगा। कल ही उसे मुक्ति क्यों नहीं दी? आज उसे मुक्त कर ही देना। भोलेनाथ ने वरदान दिया है, उसके कारण बस वो रात्रि में अधिक बलशाली हो जाता है। सूर्योदय होने से पूर्व ही वो दुष्ट पाताल में चला गया।